अक्सर घर के चारों तरफ लोग नाना प्रकार के पेड़ पौधों को लगाते हैं, जिससे कि घर की शोभाएँ बढ़े और फिर उन्हें स्वच्छ वातावरण मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से किस दिशा में किस पेड़ को लगाने से आपको नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपके घर में मृत्यु का कारण भी बन सकता है। जैसे जिस वृक्ष पर भूत प्रेत का निवास होता है, दुग्ध वाले वृक्ष, बर, पीपर, लाल पुष्प वाले वृक्ष, कांटेदार वृक्ष, सेमर, पाकर और गुल्लर, ये सब वृक्ष अग्नि कोण में यदि लगाते हैं तो सदैव दुष्ट फल ही देंगे, अर्थात अशुभदायक है और मृत्यु पीड़ादायक होता है। अर्थात उस घर में माने क्रमानुसार एक एक व्यक्ति का मृतावस्था हो गया, फिर दूसरे व्यक्ति का मृतावस्था हो गया, तीसरे व्यक्ति का मृतावस्था हो गया, अर्थात मृत्यु की पीड़ाएँ ज़्यादा होगी। पूरब और दक्षिण का जो कोना हुआ वो अग्नि कोण हुआ। अब विशेष कहा गया है जो दूध वाले वृक्ष धन का नाश कारक होता है, दूध वाला वृक्ष और कांटे वाले वृक्ष शत्रु को भय कारक होता है, अर्थात शत्रु पीड़ाएँ उस घर में ज़्यादाएँ होती है। तो अगर आप अपने घर के चारों तरफ प्लांटेशन करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ज्योतिष विभाग के द्वारा जो बताए गए वास्तु शास्त्र के हिसाब से पेड़ पौधों का जो दिशा है उस दिशा में ही उस पेड़ों को लगाएं, जिससे कि आपके घर में सुख और समृद्धि बना रहे। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।